फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे पार्ट टू पुरुषोत्तम श्री राम। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे हम इस लेसन के। तो आप फर्स्ट प्रश्न देखिए, श्री राम कौन थे। हमारा पहले नंबर का प्रश्न क्या है, श्री राम कौन थे। इसका उत्तर हम बोलेंगे, श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। श्री राम कौन थे? श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। प्रश्न नंबर टू, ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांग कर क्यों ले गए। ऐसा जो श्री विश्वामित्र थे वो राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांग कर क्यों ले गए। तो इसका उत्तर होगा, राक्षसों का अंत करने के लिए ले गए। श्री विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांग कर इसलिए ले गए थे क्योंकि वो राक्षस उनके यज्ञ में परेशान कर रहे थे। यज्ञ में जब ये यज्ञ करते थे तो राक्षस उसमें विघ्न डालते थे, मांडा डालते थे, इसलिए राक्षसों का अंत करने के लिए ले गए। प्रश्न नंबर थ्री है, किस कारण श्री राम को वनवास हुआ। प्रश्न नंबर थ्री क्या है, किस कारण श्री राम को वनवास हुआ। तो इसका उत्तर है, केकई के दो वरदान के कारण श्री राम को वनवास हुआ। केकई के दो वरदान के कारण श्री राम को वनवास। प्रश्न नंबर फोर, किसकी सहायता से श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तो इसका उत्तर हम बोलेंगे, हनुमान और सुग्रीव की सहायता से श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। रावण कौन था? जो लंका का राजा था। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हनुमान और सुग्रीव की सहायता से श्री राम ने लंका का राजा रावण पर विजय प्राप्त की। प्रश्न नंबर फाइव है, श्री राम अपनी प्रजा को कैसा प्रेम करते थे। इसका उत्तर होगा, श्री राम अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते थे। श्री राम अपने प्रजा को कैसा प्रेम करते थे? श्री राम अपनी प्रजा को एक पुत्र के समान प्रेम करते थे। जिस तरह से पिता अपने बेटे को प्यार करता है, उसी प्रकार श्री राम भी अपनी प्रजा को एक बेटे के समान प्रेम करते थे। हर नंबर का है, मौखिक उत्तर दीजिए। वैसे तो हमें इसके मौखिक उत्तर देना, लेकिन मैंने ये प्रश्न के उत्तर आपको लिखवा दिए। नंबर वन है, श्री राम के पिता का नाम क्या था। तो श्री राम के पिता का नाम क्या था, सोचो। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, राजा दशरथ था। अपन राजा भी लिख सकते हैं। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। टू नंबर का क्वेश्चन है, श्री राम की माता का नाम क्या था। अब बताओ आप, श्री राम की माता का नाम क्या था। उत्तर देखो, श्री राम की माता का नाम कौशल्या था। श्री राम की माता का नाम क्या था? कौशल्या था। थ्री नंबर का देखिए, श्री राम की पत्नी का नाम क्या था। बताइए, हमने लेसन पढ़ा है, श्री राम की पत्नी का नाम क्या था। उत्तर है, श्री राम की पत्नी का नाम सीता था। श्री राम की पत्नी का नाम क्या था? सीता था। फोर नंबर का है क्वेश्चन, श्री राम वन को कितने वर्ष के लिए गए। आंसर है, श्री राम वन को 14 वर्ष के लिए गए। श्री राम वन का वनवास उनको कितने दिन का हुआ था? 14 वर्ष का हुआ था। तो उन्होंने वन में 14 वर्ष गुजारे थे। ठीक है, ये लेसन अपने रीड भी हो गया है, इसके एक्टिविटी भी मैंने करवा दी है, और आज हमारे प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गए। अब आप ये सारे प्रश्न उत्तर जितने भी हैं वो आप नोटबुक में लिख लेना।